brought to you by ITIL Series. नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। तो कल यानी कि 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस कांस्टेबल की बड़ी भर्ती जो है वो होने जा रही है, जिसमें लगभग 60,244 पदों के लिए ये भर्ती है और जो इसमें अभ्यर्थी हैं वो 48 लाख से ज़्यादा है जिन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया। यानी कि कल और परसों वो पहुँचेंगे अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर एग्जाम देने के लिए। इस बार बहुत ही जो है पुख्ता इंतजाम किए गए, कुछ नोटिफिकेशन आए हैं जिसको लेकर मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। जो बातें सामने आई हैं उसमें कहा गया है कि परीक्षा को सकुशल संपन्न करने के लिए हर परीक्षा केंद्र के एंट्री गेट से लेकर हर रूम में सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं ताकि मॉनिटरिंग की जाए और किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो तुरंत जो है उसे सॉल्व किया जाए। हर परीक्षा केंद्र के सीसीटीवी को जिला स्तर पर बनाए गए कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी रखी जाएगी, ना केवल जिला कंट्रोल रूम बल्कि इसे जो है फौरन भर्ती बोर्ड के मुख्यालय से भी जोड़ा गया है, जिससे वो ना केवल भर्ती बोर्ड बल्कि जिला स्तर पर भी निगरानी की जाए। आपको बता दें कि लखनऊ मुख्यालय से भी दो कंट्रोल रूम बनाकर परीक्षा पर नजर रखी जाएगी। 72 घंटे पहले से ही भर्ती बोर्ड के द्वारा बनाए गए कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखी जा रही है। मतलब अगर पेपर कल है तो इसकी जो है निगरानी पहले से ही 72 घंटे पहले से ही जो है बाकायदा निगरानी रखी जा रही है कि क्या वहां पर जो है अपडेट चल रहा है, किसी प्रकार की कोई वहां पर दिक्कत तो नहीं है, और अगर तैयारी की गई है तो क्या वो तैयारी ऐसे ही सस्टेनेबल तरीके से चल रही है या फिर नहीं। इसके अलावा अगर बात करें एग्जामिनेशन के दिन पर यानी कि 17 और 18 फरवरी को, तो आपको बता दें कि प्रत्येक 12 परीक्षार्थी पर एक इन्विजिलेटर होगा, यानी कि जो 12 कैंडिडेट पर एक इन्विजिलेटर जो है हर परीक्षा केंद्र पर होगा। हर परीक्षा केंद्र पर तैनात कर्मियों में 50% जिला प्रशासन और 50% सेंटर हेड के द्वारा कर्मचारी नियुक्त किए हैं। हर कर्मचारी की पहचान और उसका बैकग्राउंड भी पुलिस ने पहले डेटाबेस में तैयार रखा हुआ है। परीक्षा केंद्र पर सॉल्वर गैंग को दबोचने के लिए बकायदा बायोमेट्रिक, आधार ऑथेंटिकेशन और आईरिस के द्वारा जो है स्कैनिंग की जा रही है। हर परीक्षा केंद्र पर की जा रही स्कैनिंग का डेटा जो है वो रियल टाइम भर्ती बोर्ड को अपडेट होता रहेगा, यानी कि जो बच्चे वहाँ एग्जाम सेंटर पे पहुँच रहे हैं बकायदा उनके थंबप्रिंट्स जो है वो जो जैसे एंट्री करेंगे वो यहाँ पर लखनऊ मुख्यालय पर जो है वो अपडेट हो जाएगा। भर्ती बोर्ड भी अपने डेटाबेस से संदिग्ध परीक्षार्थियों का मिलान कर केंद्र को सूचित करेगा, तो इसी प्रकार से जैसे ही वो अंदर जाएंगे फौरन जो है लखनऊ से इनको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये कैंडिडेट गलत है। इसके अलावा आपको बता दें कि अब तक की हुई सभी विभागों की परीक्षा में पकड़े गए हर सॉल्वर गैंग के हर कैंडिडेट का डेटाबेस तैयार कर यूपीएसटीएफ और जिला पुलिस को भेजा जा चुका है। पुराने सॉल्वर गैंग पर भी पहले से पुलिस की नज़र है और इसी का परिणाम है कि कौशाम्बी से कल 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जो कि कौशाम्बी में एक पुल के पास अपनी बलिनो कार में बैठे हुए थे, बकायदा अभ्यर्थियों को फ़ोन कर रहे थे, खोज रहे थे कोई ना कोई ऐसा मिल जाए आदमी जिसको लेकर हम उसे बहकावे में डाल दें, और उनसे लाखों रुपए जो है बरामद किए गए। आपको बता दूं कि गाड़ी से जो है लगभग 8 लाख रुपए जो है बरामद किए गए, 2 लैपटॉप और कई सारे फोन्स भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि एक सेंटर पर एक स्टेटिक मजिस्ट्रेट, 3 सेंटर पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किया गया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट को जिला कोषागार से पेपर को परीक्षा केंद्र और परीक्षा के बाद आंसर शीट को वापस कोषागार में जमा कराने की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस की सुरक्षा में परीक्षा संबंधी सामग्री को लाने ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा, यानी ट्रैफिक क्लियर कराकर परीक्षा सामग्री को पुलिस की निगरानी में परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। सभी एडीजी जोन और पुलिस कमिश्नर को मुख्य समन्वयक पर्यवेक्षक, आईजी रेंज, डीआईजी या जॉइंट सीपी को मुख्य पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया गया है। जिले के एसपी को नोडल अफसर बनाया गया है, एडिशनल एसपी को एडिशनल नोडल ऑफिसर बनाया गया है। 1,000 या 1,000 से ज्यादा परीक्षार्थी वाले सेंटर पर सीओ रैंक के अधिकारी को सेंटर का नोडल अधिकारी बनाया गया है। वहीं 1,000 परीक्षार्थियों से कम वाले परीक्षा केंद्र पर इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को सेंटर का नोडल अफसर बनाया गया है। तो पूरी तरह से तैयारी जो है मुस्तैद है, यूपी पुलिस ने तैयारी कर ली है और इस एग्जाम को देने के लिए जो लाखों अभ्यर्थी पहुंचने वाले हैं उनको जो है सही ढंग से किस प्रकार से समय पर पेपर करवाया जाए इसको लेकर भी तैयारी पूरी की जा चुकी है। तो बाकी अब स्टूडेंट्स को आना है, अपना पेपर देना है और पेपर देकर जो है वो घर चले जाना है। तो भैया बाकी तमाम ऐसी ही जानकारियों के लिए आप पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, और तमाम ऐसे वीडियोस और अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।